वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिंदावन मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शरीरम वसु विज्ञानम कर्म गुणान असूनो गुरुवात धारे जस्तु सशिष्य नहीं तरस्तः। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौरी गोष्ठीपति जी ने बताएं, बद्ध जीवों का सामने जब तक एक ज्वलंत आदर्श नहीं रहता है, तब तक जब बद्ध जीवों का हृदय में भगवत भजन का प्रेरणा नहीं मिलती है। गौरी गोष्ठीपति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, जब तक बद्ध जीवों का सामने एक ज्वलंत एनलाइटिंग आइडियलिज्म आदर्श नहीं रहता है, तब तक बद्ध जीव के हृदय में भगवत भजन का प्रेरणा नहीं मिलती है। श्रील प्रभुपाद जी ने अक्सर बताते थे, श्रील प्रभुपाद जी ने बताते थे, द ओनली ड्यूटी ऑफ एन आचार्य इज टू गिव फुल प्रोटेक्शन टू सिद्धांत वाणी। ध्यान देना इस बात पर, श्रील प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे, परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज जी भी बोलते थे, ये एक वास्तव आचार्य का सबसे बड़ा लक्षण है जो वो सिद्धांत वाणी को हर हालत में प्रोटेक्शन दे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत वाणी का प्रोटेक्शन हो जाए तो बाकी संप्रदाय का कोई समस्या आ नहीं सकता। इफ सिद्धांत वाणी इज प्रोटेक्टेड देन एवरीथिंग कैन मूव वेरी स्मूथली। अब बात यह होता है, जहां सिद्धांतों का गड़बड़ी है, जहां सिद्धांतों का गड़बड़ी है 100% वहां सेवा का भी गड़बड़ी है, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर है। कल कुछ चर्चा को उठाए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए, मैं दुखी हूं। बात यह है, कल चर्चा किया था जे त्रिनाद भी सुनिश धर्म है वैष्णव धर्म, और श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सबसे बड़ा एक स्टैंडर्ड है, थर्ड श्लोक। ये थर्ड श्लोक तृतीय श्लोक जो है, ये त्रिनादपि सुनिश्चिन तरूपि सहिष्णु नामानि न मानदिन कीर्तनीय सदाहरि, इसमें जब तक प्रतिष्ठित ना हो पाए कोई साधु, तब तक उसका हरि कथा बोलने का वास्तव अधिकार होता नहीं, पैदा होता नहीं। हरि कथा साधन भजन के लिए, हरि कथा एक साधन भजन का एक अंग है, लेकिन जो प्रचार के लिए जो हरि कथा है उसमें तिनाद भी सुनिच धर्म में 100% प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नाउ पॉइंट इज दैट तिनाद भी कौन है कौन नहीं है, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अल्टरकेशन, बाग बितंटा, झगड़ा हो सकता है, किसका अंदर में तिनादपि है किसका अंदर में नहीं है किसको पता है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने दुनिया में जितना आचार्य पैदा हुए इतना साइंटिफिक व्याख्या किसी ने कर नहीं पाया आज तक। पोपा जी ने बताया कि देखो, जब देखोगे किसी साधु के हृदय में जरा सा भी प्रतिष्ठा का गंदगी नहीं है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का ऊपर बिल्कुल
दिलचस्पी नहीं है तो जरूर सोच लेना वो तिनादपि श्लोक में प्रतिष्ठित है। तिनादपि श्लोक में प्रतिष्ठित होने का मतलब हम लोग सोचते हैं कुछ कपटता, नॉट दैट। श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए गौड़ीय गणेक गौड़ीय गणों का एकमात्र गुरु वृंदावन दास ठाकुर को मानना। अरे हमारा और कोई गुरु नहीं है क्या? वृंदावन दास ठाकुर ही गुरु है, इसका बहुत व्याख्या चाहिए। पूरा तमाम गौड़ीय समाजों का प्रभुपा जी ने बताए वृंदावन दास ठाकुर एकमात्र गुरु, और कोई समझता नहीं क्या बात है। वास्तव ये है जो सही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणाम काल उठाया था, लेकिन ये बात का नाजायज फायदा लेना उचित नहीं है। अंडू एडवांटेज इस श्लोक लेना उचित नहीं है। वास्तव अर्थ ये है वृंदावन दास ठाकुर महाशय का अंदर में करुणा का सबसे ज्यादा प्रकाश भय प्रकट हुआ। क्यों? किंतु वृंदावन दास ठाकुर ने बताया इतना समझाने का बाद अगर कोई समझे नहीं तबे लाठी मारू तार सारे सिरे रूपर, इतना समझाने का बाद अगर समझे नहीं तो मैं वो लोगों का माथे पे लाठी मारू। बट दोज कॉमन पीपल दे आर सो फुलिश दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिज सेइंग। ये बोलने का मतलब क्या है समझा नहीं। हमारा गुरुवर्ग ने समझाया, देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का जो पुरी शेर कीट होते मुई से लगिष्ठो, ये जो श्लोक आशील वृंदावन दास ठाकुर महाशय का जो तबे लाथी मारू तार शरीर ऊपर, दोनों एक कैटेगरी का है। और ज्यादा फ्रैंकली बोलने जाए तो वृंदावन दास ठाकुर महाशय का करुणा और ज्यादा है, ये आप समझोगे नहीं। जब उद्धव जी महाराज दुर्योधन को संभाषण किए प्रणाम किए तो दुर्योधन हर हालत में प्रणाम का योग्य नहीं है, नॉट एट ऑल, लेकिन उद्धव जी ने इतना चतुर है उसको प्रणाम किया। और दुर्योधन सोचा हमको प्रणाम किया, लेकिन दुर्योधन का हृदय में क्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए जो सर्वत्र महाभागवतों का कृष्ण दर्शन होता है, महा अपना इष्ट वस्तु का दर्शन होता है। इसी हिसाब से उद्धव जी महाराज दुर्योधन को दंडवत किया। अब प्रश्न होता है जो बात उठाया था पहले, जो आदर्श आइडियलिज्म एक आचार्यों का जो आदर्श है जो बात दे के शुरू किया था उसका मतलब है आचरण। आदर्श का मतलब है उसका आचरण। पोपा जी ने बताए आचरण का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि ये आचरणशील व्यक्ति एक कपट जगह पहुंच जाए वो भयभीत हो जाता है, क्यों आया है इधर, वो तो दो शब्द बोल दे तो हमारा पोल पट्टी खोल जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी ने गया था मनिंद्र चंद्र जी का राजा का इनवाइटेशन में, वहां 7 मिनट 5 मिनट में बोलने नहीं दिया, आप जानते होंगे ये सब बातें। आचरणशील व्यक्ति का प्रभाव इतना पड़ता है, इतना पड़ता है कि आचरण ही प्रचार। पोपा जी ने एक जगह बोला आचरण है वो अगर मुखो दो शब्दों नहीं बोला उसका आचरण जो है इट्सेल्फ वन काइंड ऑफ प्रीचिंग, एग्जैक्ट प्रीचिंग। इसलिए आचरण के ऊपर जितना सारे बड़े बड़े आचार्य जो हमारा जिसका आज तिरुभाग तिथि है सिसिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, इनके जवानों को बंद करने के लिए कितना स्मार्ट ब्राह्मण और यहाँ का जमींदार राजा कोशिश किए, लेकिन एक महापुरुष का जवान को समालोचना के द्वारा क्रिटिसिज्म के द्वारा ये समालोचना करता है, ये सब फालतू बातें बोल के उसका जवान को बंद नहीं कर सकता कोई। इतना मंत्र तंत्र करके उसको जवान को बंद करने का कोशिश किए, लेकिन प्रभुपाद मेरा गुरुजी कहते थे जय श्रील गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील नृसिंहदेव, ये सबसे बड़ा चीज है। एक प्रभुपाद का मंत्र बताएं कि सारे तुम्हारा तंत्र मंत्र षड्यंत्र तो एकदम विनाश हो जाएगा, वही हुआ था। श्रील वैखन गोसाई महाराज घंटों भर प्रवचन दिए गौरांग महाप्रभु का करुणा का ऊपर,
ऐसा महापुरुषों का चरण में आने का मेरा सौभाग्य हुआ। ये महापुरुष ऊपर से देख रहा है कि मैं कपट हूं कि निष्कपट हूं, अकॉर्डिंगली ही कैन गिव मी ब्लेसिंग्स। हमारा कपट भाव से कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो सकता। और ये महापुरुष का आज आविर्भाव तिथि शतवर्ष, इसका बारे में श्रील बामन गोस्वामी महाराज का मुखारविंद बहुत सारी चीज सुने। बहुत इतना बड़ा महापुरुष, ये लोगों को बाहर का आदमी, बाहरी आदमी पहचान नहीं पाया। एक जगह बैठकर राधा भाव में विभावित, गोपी भाव में विभावित होकर कैसे भजन किए, कैसे भजन किए, अपना गौशाला में गौ माता को पालन किए। और हर गौ माता चिल्ला चिल्ला कर महाजी के पास आते थे। जब बाहर से आते ना, सब बिस्कुट और जितना सारे खाना लेके आते, वो जानता है महाराज जी गाड़ी से उतरने के साथ सारे गौ माता हम्बा चिल्लाते, वो जानते हमारे लिए कुछ लाए हैं। और आने के साथ साथ खाना देते थे, कितना बताए हम। और एक रस्सी और एक बाल्टी रखते थे। एक सेवक ने पूछा, महाराज ये क्या काम का है? बोले देखिए यही हमारा संपत्ति है, एक रस्सी और एक बाल्टी, क्योंकि हम तो गोपी है ना, गोपी भाव है, खुल्ला खुल्ला बताया नहीं, गुप्त रूप में। और एक पक्का सिद्धांत तो बता दें ये महापुरुष का बारे में, कुछ अनुभव हो जाए आपका। एक दफे शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का मूर्ति जयपुर से आए। एक बात ध्यान रखना, रामानुजाचार्य जी ने बताए किसी महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह को दंडवत करना चाहिए। जो विग्रह महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, शिवलिंग हो, उसमें दंडवत करने का आवश्यकता उतना नहीं है, रामानुजाचार्य जी ने बताया। लेकिन महापुरुष का जो भाव है, जो एक महापुरुष कोई मंदिर निर्माण करने जाए, कोई विग्रह का प्रतिष्ठा करने की इच्छा भय अंदर में, तो ये जानकारी कर लेना विग्रह सप्रकाश वस्तु महाराज जी के हृदय में स्वयं प्रकट हो गया। मूर्ति का तो मूर्ति वाला का पास ऑर्डर दिया, लेकिन विग्रह प्रकट हो गया हृदय में। एक महापुरुष जब विग्रह प्रतिष्ठा करना चाहता है तो ये इच्छा का साथ साथ ठाकुर जी हृदय में प्रकटित हो जाता है, और हृदय का भाव शिल्पी का माध्यम में रूप लेता है। जो प्रभुपाद जी का मूर्ति जब गाड़ी करके अपना खड़गपुर आश्रम में आए, तब महाराज जी गेटों पे खड़ा रहे और बोले जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। और जल्दी उतारा, बोले खुलो जल्दी, प्रभुपाद का कष्ट हो रहा है, जल्दी खुलो। अरे आदमी घबरा गया, क्या हुआ? बोले जल्दी खुलो। पैकिंग खोल के विग्रह को लगा दिया आसन पे, कमरा पे, और तुरंत आरती करना शुरू कर दिया। हैरान की बात है, जबकि एक विग्रह का प्रतिष्ठित नहीं हुआ, प्रतिष्ठा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कि, लेकिन महापुरुष का हृदय ऐसा है, महापुरुष का प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर महाराज जी को दिखाई पड़ता है कि प्रभुपाद स्वयं प्रकट होके विग्रह रूप में मेरा सामने है। एक महापुरुष का हृदय में स्वप्रकाश वस्तु जब प्रकाशित होता है, वो प्रतिष्ठा का अपेक्षा नहीं रखता। बहुत सारे घटना है सौरभोग में, रामानंद बाबु सिसिल सिद्धर गोस्वामी महाराज जब विग्रह का प्रिलिमिनरी काम कर रहा था, पोपा जी अपना आश्रम भजन कुटीर में है, आपने तैयारी करो, मैं प्रतिष्ठा का समय में आ जाऊं, बुलाना। जब प्रभुपा जी को बुलाया गया, रामानंद बाबु सिसिल सिद्धर गोस्वामी महाराज मंदिर में उठा के पर्दा हटाया, और प्रभुपाद जी ने आश्चर्य होकर बोला, अरे ये तो प्रतिष्ठा हो गया, और क्या प्रतिष्ठा करे, प्रतिष्ठा हो गया विग्रह। अरे हैरान की बात है, पर हाँ, राय रामानंद जी अर्थात परम पूज्य सिद्धर गोस्वामी महाराज का प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर महाराज जी जो श्रृंगार किया, माला पहना दिया, कापड़ पहना दिया, ठाकुर जी स्वयं वो प्रेम को स्वीकार करने के लिए विग्रह का अंदर आ गया। ये पक्का सिद्धांत है, रामानुजाचार्य जी ने बताया। किसी विग्रह का अंदर प्राण नहीं है, किसी महा महा पुरुषों ने किस विग्रह का चरण में दंडवत कर दिया, तुरंत उस विग्रह का अंदर में प्राण आ जाएगा, ऐसा रामानुजाचार्य जी ने बताया। बहुत सारे चीज चर्चा करने का विषय है, लेकिन समय अपने दिया नहीं है, थोड़ी सी समय में ऐ दो महापुरुषों का कृपा प्राप्त करना है, बड़ा इट्स वेरी टिपिकल, लेकिन वो महापुरुष अगर संतुष्ट हो जाए
अदसदर्शी अहेतु की कृपा, तो हमारे ऊपर कृपा बरसा दे, मेरा इधर आना पक्का हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाए, और संत महात्मा जो इधर मौजूद है सब मेरा ऊपर कृपा कर दे। यही वांछा लेकर ये छोटी सी मेरा निवेदन यही समाप्त करना चाहता हूँ। बोलने का बहुत है लेकिन समय नहीं है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानं पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।